जयपुर का दाल बाटी चूरमा कचौरी घेवर लस्सी या फिर यहाँ की फेमस कुल्फी, इन सभी में दूध दही और देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये सब आता कहाँ से है? हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको लेके चलूँगी जयपुर के एक लोकल डेयरी फार्म पे और वहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे दूध दही और देसी घी। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है होलनेस फार्म जो कि अजमेर रोड पे लोकेटेड है और ये जो गाय आप देख रहे हैं वो गुजरात की गीर नस्ल की गाय हैं। आ आ आ नंदनी, ये देख रहे गाइस, गाय कितनी इंटेलिजेंट होती है, अपना नाम सुनते ही कैसे भागी चली आती है अपने आप को प्यार कराने के लिए। हाँ नंदनी, हाँ। और इन सभी गायों का अपना खुद का एक नाम है जो वो बखूब समझती हैं। ये लो नंदनी, हाँ। और वो देखिए उधर, वो है यहाँ का राज। He is the only bull among 30 cows and look at him, he is huge. और ये इकलौता राज है इन सारी सिमरनों के बीच में। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको राज कैसा लगा। सो चलिए अब मैं आपको इनका फार्म घुमाती हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये गाय पालते हैं और उसके अलावा ये देखिए गाइस, यहाँ पे है इनके ये खेत जहाँ पे ये गायों का चारा खुद ही उगाते हैं। आइए मेरे साथ। भाई ये जुते हुए खेत में चलने में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये देखिए, ये है हरे हरे खेत। वाओ, तो खेत में से चारा सीधे यहाँ पे लाया जाता है और इस चारे को यहाँ चारे की मशीन में काटा जाता है और उसके बाद ये गायों को खिलाया जाता है। तो चलिए गायों को कुछ चारा खिलाते हैं, बट हाँ उससे पहले ज़रा मैं भी इसमें चारा काट के देखती हूँ। हाँ भैया, ज़रा मुझे भी काट दीजिए। ओके वाओ, भाई ये चारा काटने में तो वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है, बी केयरफुल। हाँ गंगा, ओ कहते हैं गाय को चारा खिलाने से पुण्य मिलता है। ये लो गंगा, ओ कितनी सीधी है ये। ये देखिए यहाँ पे ताज़ा दूध निकाला जा रहा है। वैसे देसी गाय के दूध के तो अनगिनत फ़ायदे होते हैं, पर इनमें से एक है इसमें पाए जाने वाला A2 प्रोटीन। A2 प्रोटीन एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत मदद करता है एंड प्योर A2 मिल्क इज ईजली डाइजेस्टेबल। दूध के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देसी घी कैसे बनाया जाता है। वैसे आम तौर पे लोग दूध की मलाई निकाल के घी बनाते हैं, पर यहाँ पे घी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले दूध का दही जमाया जाता है, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से दही को चर्न किया जाता है और ऊपर आ जाता है मक्खन और नीचे रह जाती है छाछ। सो गाइज, अब इस मक्खन से बनेगा शुद्ध देसी घी और ये देखिए ये बन रहा है चूल्हे के ऊपर। वाओ, इट स्मेल सो गुड। जब घी बनता है तो कैसे चारों तरफ इसकी खुशबू आती है। ओ माय गॉड, अब मुझे लग रही बहुत ज़ोरों की भूख और ये आ गया है मेरा खाना। ये देखिए छाछ, गाय का देसी घी, दाल चावल और ये मेरा फेवरेट मिर्च का अचार और ये है बाजरे की रोटी। तो चलिए सबसे पहले डाला जाए थोड़ा सा गाय का देसी घी। वाओ, इसको खाने में तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऑल राइट, ये देखिए घी में पूरा डिप कर लिया है मैंने। ओके एकदम दिव्य है ये देसी गाय के घी का कोई मोल नहीं है, ये वाकई अनमोल है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया इन गायों के बीच में और आप भी अपने बच्चों को एक ग्लास गाय का दूध ज़रूर पिलाएं। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक माई वीडियो, सो डू हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और भाई मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।